जब मेरी 20 साल की उम्र थी तो मेरे चेहरे के ऊपर भी इस तरह के काफी ज्यादा पिंपल्स निकलते रहते थे, जिनमें बहुत सारी गांठें बनी रहती थी, पस निकलती रहती थी, चेहरे के ऊपर इचिंग, रेडनेस, काफी ज्यादा एलर्जिक कंडीशन मेरी बन चुकी थी। और अब ये कंडीशन मेरे चेहरे की है, जब मैं बिल्कुल पिंपल फ्री फेस के साथ में घूमता हूँ। आज मैं अपने डेली रूटीन में कुछ ऐसी चीज़ें फॉलो करता हूँ कि मेरे चेहरे के ऊपर ना तो पिंपल्स आते, और जो मेरे पिंपल्स के काफ़ी ज़्यादा निशान थे वो भी गायब हो चुके हैं। और लोग मेरी तरह जानना चाहते हैं कि क्या एक परफेक्ट डेली रूटीन होना चाहिए, क्या हम इसमें गलतियाँ करते हैं जब हमें पिंपल्स की शिकायतें होती है, क्या हमें इसमें ट्रीटमेंट लेने चाहिए, क्योंकि आप यूट्यूब के ऊपर कहीं भी सर्च करके कुछ भी ट्रीटमेंट शुरू कर देते हो और आपको उसके फायदे के बजाय आपको उसके नुकसान होने लगते हैं। तो लोग जानना चाहते हैं कि इसका एक परफेक्ट ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए। तो मैं अपने एक्सपीरियंस और अपने पिंपल्स की जर्नी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि कैसे इस चेहरे से मैं अब इस पिंपल फ्री फेस तक पहुंचाऊं। सो हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपक कुमार, एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर, और आज आप लोगों के सामने एक कंप्लीट वीडियो लेकर आया हूं ताकि आपको उसकी पूरी जानकारी मिले कि आपको पिंपल्स में क्या लक्षण आते हैं, क्या इसके कारण होते हैं, क्या इसमें आपको ट्रीटमेंट लेने चाहिए, और अपने डेली रूटीन में किन चीज़ों को आपको फॉलो करना चाहिए, और क्या मिस्टेक्स आप करते हैं जब आपको पिंपल्स की शिकायतें होती रहती है। तो सबसे पहले तो आप थोड़ा सा पिंपल्स के बारे में जानिए कि ये होते कैसे हैं। देखिए, जिन लोगों की स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली रहती है, अक्सर वो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान इससे होते हैं। और ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 20 साल की उम्र में ही, जब आपके हार्मोन से डिसबैलेंस हो गए तब ये शिकायतें होंगी, आपको किसी भी उम्र में पिंपल्स निकल सकते हैं। तो क्यों निकलते हैं, इसके पीछे का कारण ये है कि आपके चेहरे पर जो आपके तेल का उत्पादन करने वाली ग्रंथियां होती हैं, जिसको हम सीबेसियस ग्लैंड बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और दूसरे जो हेयर फोलिकल्स होते हैं आपके स्किन के नीचे छोटे छोटे जो बाल होते हैं, उनमें जब दोनों में सूजन आ जाती है यानी स्वेलिंग हो जाती है, तो उस वजह से आपको पिंपल्स की शिकायतें होती है। अब ये पिंपल्स सिर्फ उस जगह निकलते हैं जहां ये तेल उत्पादन वाली ग्रंथियां सबसे ज्यादा होती है, जैसे आपकी पीठ के ऊपर, जैसे आपके कंधों के ऊपर, जैसे आपके चेहरे के ऊपर। कभी कभी आप देखते भी हैं कि आपके पीठ पर और कंधे पर पिंपल्स निकल जाते हैं, तो उसका कारण सिर्फ ये है कि वहां उन ग्रंथि का उत्पादन काफी ज्यादा बढ़ चुका है और आपके सेल्स में ब्लॉकेज आ चुकी है, जिसकी वजह से वहां पिंपल्स निकल रहे हैं। अब इन पिंपल्स होने के कारण ये है कि जैसे अक्सर लड़कियों को पीरियड्स की समस्या रहती है, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान उनके हार्मोन्स गड़बड़ा जाते हैं तो उनको उन पिंपल्स की शिकायतें होती है, या आप जैसे खेलते हैं या फिर आप हेलमेट लगाते हैं तो हेलमेट लगाने के दौरान आपके जो सेल्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़ता है, जिस वजह से आपको पिंपल्स हो सकते हैं। अनहाइजीन कंडीशन अगर आप रखते हैं तो उससे आपको पिंपल्स की शिकायतें हो सकती हैं, या फिर आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो चुका है उसकी वजह से, या आपके खान पान काफी ज्यादा आप तला भुना खाते हैं उसकी वजह से आपको हो सकते हैं। तो ये पिंपल्स के कुछ कारण होते हैं। अब ये जो आपको मुहासे होते हैं इनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। अब वो टाइप्स हैं, सबसे पहला होता है आपका ब्लैक हेड्स। ब्लैक हेड्स वो समस्या है जब आपके स्किन से ये जो तेल निकलता है वो रुक जाता है, और रुकने की वजह से वहां जब वो हवा के कॉन्टेक्ट में आता है तो हवा की वजह से वो जो ऑयल है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से वो काला पड़ जाता है, इसको बोलते हैं ब्लैक हेड्स। व्हाइट हेड्स जो दूसरी समस्या है, इसमें एयर के कॉन्टेक्ट में वो ना आने की वजह से वहां सिर्फ आपको एक तरह से व्हाइटिश पैचेस दिखते हैं, जिसको हम दूसरा टाइप कहते हैं। तीसरा आता है पिंपल्स। पिंपल्स जैसे नाम से ही आपको पता चलता है कि जिसमें आपके चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल जाते हैं जिनमें पस भरी रहती है। फिर फोर्थ आता है जब आपको सिस्ट होती है, यानी कि ऐसी गांठ है जिनमें काफी ज्यादा जो जड़ तक आपकी फैली रहती है और काफी ज्यादा मोटी हो जाती है, और उनमें वो ना तो एक तरह से पकती है और ना ही वो आपके फूट कर बाहर निकलती है, तो वो सिर्फ रेडिश रहती है, काफी मोटी मोटी गांठें बनती है। अब मैं आप लोगों के साथ में थोड़ा सा शेयर करूंगा कि क्या मेरी एक जर्नी रही है पिंपल्स की। जैसे कि आप सभी लोग करते हैं कि जहां भी आप कहीं यूट्यूब के ऊपर सुनते हैं या फिर किसी डॉक्टर के बारे में सुनते हो, तो आप जाकर उस तरीके का ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मैं क्या करता था, मैं अपना जो शुरू का ट्रीटमेंट रहा वो मैंने एलोपैथ से लिया। एलोपैथ से होता ये था कि जब तक आप उन चीज़ों को, जैसे आपको एंटीबायोटिक्स दी जाएंगी कि आपको बैक्टीरिया से की वजह से अगर पिंपल्स हुआ है तो वो खाया करता था, या कभी ऐसा हुआ करता था कि कोई ऑइंटमेंट दे दिया जाता था, मैं उसको लगा लेता था, तो वो एक परमानेंट सोल्यूशन मेरे लिए नहीं था। मैं उसको यूज़ करता था, जब तक मैं दवाई खाता था तो तब तक मैं थोड़ा सा सही रहता था, मेरे को पिंपल्स नहीं निकलते थे, बट उसके बाद फिर से वही कंडीशन आने लगती थी कुछ समय बाद। और वो क्यों आती थी, क्योंकि ये जो पिंपल्स हैं, एक तो आपका एज फैक्टर मैटर करता है कि आपकी उम्र क्या है, आपकी उस उम्र में हार्मोन्स डिसबैलेंस होंगे तो आपको ये होते ही रहेंगे। आप सिर्फ इसके लिए एक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे मैं लिया करता था कि मुझे अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती थी पस की वजह से, इचिंग की वजह से, रेडनेस की वजह से, तो मैं दवाई लेता था तो मैं ठीक हो जाता था, बट
वो टाइम मेरा 20s का था, जब मेरे हार्मोन्स काफी ज्यादा गड़बड़ाए हुए थे। तो आपको एक तो सब्र रखना है, क्योंकि आप अगर 20s 20 साल की उम्र में हैं तो आपके हार्मोन्स बिल्कुल गड़बड़ाएंगे। तो आपको कुछ ज्यादा ऐसे एलोपैथ में नहीं जाना है, या ज्यादा अंग्रेजी दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना है कि आप स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दे, आप एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर दे, आप एंटी इंफ्लामेटरी लेना शुरू कर दे। तो इस तरह की दवाइयों और चीजों से आप थोड़ा सा बचे। आपको ये समझने की जरूरत है कि जब आपके हार्मोन्स सही होंगे तो ये पिंपल्स ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। तो ये मैंने काफी टाइम बाद समझा। दूसरा, मेरी एक गलत आदत थी कि मैं उसको हाथों से बार बार टच करते रहता था। आप अगर उसको बार बार टच करते हैं तो एक जगह से जो आपका इन्फेक्शन हो रखा है, आप जब दूसरी जगह अपनी उंगली को टच करेंगे तो वहां से ठीक होने के बाद में बिल्कुल वो दूसरी जगह आपको पिंपल्स होगा ही होगा, ये आप जरूर ध्यान रखें। तीसरा, जब आप उसको फोड़ते हैं तो सीधा आप अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करते थे, ये ऐसे मैं करता था, तो आपको ऐसे उसको फोड़ना नहीं है। जब आपको लगे कि उसमें अच्छे से पस बन गई है, अब वो खुद ही उसका एक वहां पर पोर बन चुका है या फिर कोई जगह ओपन हो चुकी है जहां से पस निकल रही है, तो आप कॉटन की हेल्प से उसको साफ करें, स्प्रिट लगाकर आप उसको पस को बाहर निकालें और फिर उसको ज्यादा टच ना करें। अब पिंपल्स होने के बाद में मैंने अपने डेली रूटीन में क्या चीजें फॉलो करना शुरू की जिसकी वजह से मुझे पिंपल्स धीरे धीरे कम होने शुरू हुए। उसमें सबसे पहला था कि मैं बार बार अपने चेहरे को नहीं धोता था, उसको सिर्फ अगर धोता भी था दिन में सिर्फ 2 बार और वो भी गर्म पानी से। दूसरा ये कि आप कोई भी अगर प्रोडक्ट यूज करते हैं अपने चेहरे के ऊपर तो वो अल्कोहल फ्री होना चाहिए। तीसरा ये कि आप बार बार अपने चेहरे को बिल्कुल टच ना करें, क्योंकि आप उसको टच करेंगे तो बैक्टीरिया वहां कॉज होगा। अपने चेहरे को धोने के लिए कभी भी स्क्रब का यूज नहीं करता था, और जब मैं कभी कोई भी क्रीम वगैरह यूज करता था तो मैं धूप में जाना बिल्कुल अवॉइड करता था, क्योंकि ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके पिंपल्स की शिकायत है और ज्यादा बढ़ती है। अगर आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली है, मेरी भी रहती थी, तो आप अपने शैम्पू का इस्तेमाल जरूर करें। सल्फेट फ्री शैम्पू होना चाहिए ताकि आपकी स्किन ऑयली ना हो। आपके बाल अगर ऑयली रहेंगे तो आपके चेहरा भी काफी ज्यादा ऑयली रहेगा, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स होंगे। और अगर आप तेल लगाते हैं अपने सर में तो उसको भी लगाना आप कम करें, उससे भी आपके बाल ऑयली होने की वजह से आपका चेहरा ऑयली होगा। और उन दिनों मैं भी जो ट्रीटमेंट लिया करता था वो एक एलोपैथ दवाई का लिया करता था, जिसमें उनका ट्रीटमेंट इस तरीके का रहता था कि एक तो सबसे पहले वो बैक्टीरिया को, क्योंकि वो बैक्टीरिया की वजह से एक्ने या पिंपल्स होते थे, तो मुझे बेंजोइल परोक्साइड जैसी चीज़ें लगाने के लिए दी जाती थी। दूसरा ये है कि आपका अगर बैक्टीरिया की वजह से वो हुआ है तो एरिथ्रोमाइसिन जैसी एंटीबायोटिक टेबलेट्स आपको खाने के लिए दी जाती थी, जिसकी वजह से शायद आपको पेट की समस्याएं हो सकती है और मुझे भी हुआ करती थी। तीसरा, आप ट्रेटिनोइन जैसी चीजें, ताकि और पिंपल्स वहां पैदा ना हो। ठीक है, व्हाइट हेड और ब्लैक हेड में जो भरा हुआ ऑयल रहता था तो उनको हटाने के लिए जो सैलिसिलिक एसिड का यूज करते हैं वो भी मैं किया करता था। बट इन चीजों को करने से थोड़े टाइम के लिए रिलीफ मिलता था और उसके बाद में फिर से वही चीजें होने लगती थी। तो इतना सब करने के बाद में भी मेरे चेहरे की जो हालत थी वो सेम थी। अब मुझे जो चीजें समझ में आई वो सबसे पहले ये थी कि ये एक एज फैक्टर है। जब तक आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होंगे तो आपको ये होते रहेंगे, तो आपको इसमें ये बाहर की जितनी भी चीजें हैं ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है। ऑल्दो अगर आपको ज्यादा समस्या है तो आपको उनका यूज करना ही पड़ेगा, बट अगर आपको एज फैक्टर की वजह से है और ज्यादा समस्याएं नहीं है, थोड़े बहुत पिंपल्स निकल रहे हैं, तो आप इनका इस्तेमाल ज्यादा ना करें। तो मैंने ये चीज समझी, फिर मैं इस चीज को समझा कि इसको सिर्फ आयुर्वेद के तरीके से ठीक किया जा सकता है, क्योंकि वो आपके जो जड़ है पिंपल्स के होने की उसके ऊपर शायद काम करे। और उनके यूज करने का मेरा एक कारण और भी था कि उनके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम होते हैं, ना के बराबर, तो इसलिए मैंने आयुर्वेद को चुना। और आयुर्वेद में वो चीजें क्या थी, मैं आप लोगों के साथ वो चीजें शेयर करता हूँ। सबसे पहले जो भी मैंने आपको बताया कि जीवन शैली में जो मेरा रूटीन था कि बार बार उसको टच नहीं करना, आपको ज्यादा बार बार मुंह को नहीं धोना, आपको अल्कोहल फ्री जो भी चीजें होती है प्रोडक्ट होते हैं उनको यूज करना, या फिर आपको तेल नहीं लगाना, तो वो सब चीजें करने के बाद में मेरा जो एक रूटीन था, सुबह गर्म पानी पीने का था। सुबह गर्म पानी पीने के बाद में मैं उस पानी को निकालने की कोशिश किया करता था। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है करना, बट अगर आप उसकी आदत पड़ जाती है तो एक तरह से आप अपने शरीर को डिटॉक्स कर रहे हो। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही 1 गिलास गर्म पानी पीना है, 5-10 मिनट के बाद आपको थोड़ा योगा करना है। योगा करने के बाद में आप उस पानी को अपने मुंह के अंदर 2 उंगली डालें और उसको बाहर निकालने की कोशिश करें। आप देखेंगे कि वो पानी बिल्कुल कड़वा होगा, आपका जो भी एसिड है, जो पित्त है, जिसकी वजह से आपको पिंपल्स हो रहे हैं, वो आपका बाहर निकलेगा और आपकी बॉडी धीरे धीरे डिटॉक्स की तरफ जाएगी। ऐसा होने के बाद में आपके पिंपल्स ऑटोमेटिक ठीक होने शुरू हो जाएंगे।
दूसरा ये कि आपको ऐसी चीजें अपने खाने में नहीं इस्तेमाल करनी जो कि आपके पिंपल्स को और ज्यादा बढ़ाए, जैसे खट्टी चीजें, जैसे बाहर की तली भुनी चीजें, जैसे आपको मिर्च मसालेदार चीजें, ये सब आपको फास्ट फूड सब बंद कर देना है, ये आपको बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि ये आपका पित्त जो एसिड होता है उसको डिस्टर्ब करता है। जरूरी है कि आपका पेट साफ होना चाहिए। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्ज की शिकायतें रहती हैं तो आपको पिंपल्स होंगे ही होंगे। उन दिनों मेरा पेट खराब रहता था तो मैंने अपने पेट के ऊपर काम किया, अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक किया, तो मेरे पिंपल्स ऑटोमेटिक सही हो गए। तो वो एक का दूसरा कारण मेरा रहा है। फिर तीसरा, आपको ऐसे सिरप पीने हैं जो आपके खून की सफाई करें। जैसे यहां पर मैं आपका नाम लूंगा एक सिरप का, जो है खदीरा रिस्ट, जो कि आपके पिंपल्स को ठीक करने में आपकी मदद करता है। और दूसरा आपका मंजिष्ठा रिस्ट, जो कि आपके स्किन को काफी ज्यादा सॉफ्ट बनाता है, आपकी स्किन को काफी ज्यादा पिंपल्स फ्री करता है, आपकी स्किन के जो भी कलर है उनको अच्छा करने में आपकी हेल्प करता है। तो आप ये दो सिरप जरूर ऐड करें, एक खत्म होने के बाद में आप दूसरा शुरू करें। पहले आप खदीरा रिस्ट लें ताकि आपके पिंपल्स ठीक हो, उसके बाद में आप मंजिष्ठा रिस्ट लें ताकि आपका स्किन का जो कलर है उसके दाग धब्बे हैं उनके निशान गायब हो जाए और आपका चेहरा पहले जैसा हो जाए। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ में एक चीज और शेयर करूंगा कि आपको कोई भी एक्सरसाइज, या फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप योगा कर सकते हैं, वो जरूर करना है ताकि आपके शरीर से पसीना निकले। उस पसीने के जरिए जितने भी आपके टॉक्सिन्स है वो बाहर निकलेंगे तो आपके पिंपल्स की शिकायतें हैं वो ठीक होगी। ये थी मेरी एक पिंपल्स की कहानी कि कैसे मैं अपने 20 साल की उम्र में पिंपल्स के फेस को लेकर घूमता रहता था और मेरा भी एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो काफी ज्यादा लो हो चुका था, जिसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा परेशानियां होती थी। बट मेरे ये सब रूटीन की वजह से आज मैं पिंपल्स फ्री हूँ। अगर आपको भी कुछ ऐसी शिकायतें रहती हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और ऑनलाइन आप भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिए।